आइए हम आपको लेकर चलते हैं सांसद जनार्दन मिश्रा के आदर्श गांव हरदुआ और दिखाते हैं वहां का नजारा। जमीनी हकीकत देखने के लिए यहां हमारे साथ आंगनबाड़ी एक वोट है नहीं है उन मीनी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ पर पड़ता है पढ़ाई के लिए 6-7 पूरी उखड़ गई है। इसके अलावा ये कहेगा नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूँ आपके साथ विजय विश्वकर्मा। रीवा दर्शन की टीम आज पहुंची है सांसद आदर्श गांव हरदुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा थी कि आदर्श गांव में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही विकास और रोजगार के आयाम स्थापित हों। जननायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस 11 अक्टूबर 2014 से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। जमीनी हकीकत देखने के लिए रीवा दर्शन की टीम आज मौजूद है हरदुआ गांव में। तो पेश है जीरो ग्राउंड से हरदुआ गांव की ये रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद हैं हरदुआ में। ये वही हरदुआ है जिसको हमारे सांसद जनार्दन मिश्र जी ने आदर्श ग्राम के बतौर गोद लिया था। हम इस समय आंगनवाड़ी केंद्र में मौजूद हैं। मैं यहाँ पर आपको यहाँ की स्थितियों का नज़ारा दिखा रहा हूँ। आंगनवाड़ी का हाल यहाँ पर किस तरीके का है, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, आंगनवाड़ी का हाल कितना बुरा है। यहाँ पर फर्श पूरी तरीके से उघड़ गई है, यहाँ पर बिजली नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। माना जा सकता है जिस आंगनबाड़ी केंद्र में बिजली नहीं, पानी नहीं, उस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे किस तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता तिवारी जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आदर्श ग्राम की आंगनबाड़ी में क्या समस्याएं हैं। यहाँ पानी की बहुत समस्या है, पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है, बिजली की भी सुविधा नहीं है। यहाँ दूर दूर से पूरे हर अकाल है, पानी का दूर से पानी लाना पड़ता है। अभी आपने ममता तिवारी जी से खुद ही सुना, पानी नहीं, बिजली नहीं। जब पानी नहीं, बिजली नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आदर्श ग्राम की परिकल्पना कैसे की जा सकती है, महज इसका एक छोटा सा उदाहरण है जिससे आप इस बात को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का जब ये हाल होगा तो उस आदर्श ग्राम का क्या हाल होगा, आप अपने से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये थी आंगनबाड़ी केंद्र से हमारी हरदुआ आदर्श ग्राम की शुरुआत। हम आज आपको आदर्श ग्राम की एक एक छोटी छोटी हकीकत भी दिखाएंगे, उससे रूबरू कराएंगे, उससे आपको परिचित कराएंगे। आइए चलते हैं आगे का सफर तय करने। किसी भी गांव के लिए मूलभूत सुविधाओं में पानी, बिजली, सड़क का होना बेहद जरूरी है, लेकिन आदर्श गांव में जिस तरह से समस्याएं हैं मूल रूप से पानी, बिजली और सड़क को लेकर ही है। भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि हर हाल में इन तीन चीजों को उनको सुधारना था, लेकिन आदर्श गांव में जिस तरह से हकीकत सामने आ रही है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि
कि आदर्श गांव की कितनी उपेक्षा की गई है। भले ही करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन जमीन में यहां पर कोई भी विकास कार्य नहीं दिखाई देता। हरदुआ गांव में जो हैंडपंप है लगभग सूखे हुए हैं, उनमें पानी की बूंद भी नहीं टपक रही। इसके अलावा ये जो मेरे पीछे आपको टंकी दिख रही है, ये टंकी भी सूखी पड़ी हुई है। तो फिर नल जल योजना का गांव में किस तरह से कितना असर है, ये आप बेहद ही समझ सकते हैं। कहने के लिए ये पानी की टंकी जरूर है, लेकिन इसमें सिर्फ कंक्रीट की इमारत खड़ी की गई है। करोड़ों रुपए का यहाँ पर वारा नारा किया गया है और जमीन में कोई भी सुविधा देखने को नहीं मिलती। तो आइए आपको इस पानी की टंकी का नजारा कराते हैं। कहने के लिए यह लाखों रुपए खर्च कर पानी की टंकी बनाई गई है, लेकिन इस टंकी को बने महज साल भर हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से जर्जर हालत में है। यहाँ पर जो पानी के लिए है मोटर लगाने की जगह है, पाइपलाइन उखड़ी पड़ी है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या पानी गांव में किस तरह से नल जल योजना के द्वारा पहुँचाया जा सकता था। सरकार की नल जल योजना एक महत्वाकांक्षी योजना थी। नल जल योजना के तहत घर घर मकान में पानी पहुँचाने की योजना थी, लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर जो पानी की टंकी बनाई गई वही भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। टंकी सूखी पड़ी हुई है, साथ ही गांव में नल जल योजना का कहीं भी असर देखने को नहीं मिलता। किसी भी घर में नल की सुविधा अभी तक नहीं पहुंच पाई है। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं पीछे मेरे, यहाँ की पानी की टंकी जो है कितनी जर्जर हालत में है और ये कभी भी धराशायी हो सकती है, गिर सकती है। और यहाँ पर जो स्थितियाँ आप देख पा रहे हैं बेहद ही खराब है। ये कभी भी गिरकर गांव में बड़ी दुर्घटना कर सकती है। इसका निर्माण अगर हम बताएं आपको तो 13 जनवरी 2018 में हुआ और उसके बाद इसमें पानी की एक बूंद भी ऊपर नहीं चढ़ाई गई, इसकी ना तो टेस्टिंग की गई। तो फिर नल जल योजना के द्वारा गांव-गांव में पानी पहुंचाने का सपना भी अधूरा रह गया है।